इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय पांच इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय पांच। इस प्रकार सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए जो जो काम बनवाया वह सब निपट गया। तब सुलेमान ने अपने पिता दाऊद के पवित्र किए हुए सोने चांदी और सब पात्रों को भीतर पहुंचाकर परमेश्वर के भवन के भंडारों में रखवा दिया। मंदिर की प्रतिष्ठा। तब सुलेमान ने इसराइल के पुरनियों को और गोत्रों के सब मुख्य पुरुष जो इसराइलियों के पितरों के घरानों के प्रधान थे उनको भी यरूशलेम में इस मनसा से इकट्ठा किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक दाऊदपुर में अर्थात सियोन से ऊपर लिवा ले आए। सब इसराइली पुरुष सातवें महीने के पर्व के समय राजा के पास इकट्ठे हुए। जब इसराइल के सब पुरनिये आए तब लेवियों ने संदूक को उठा लिया और लेवीय याजक संदूक और मिलाप का तंबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सबों को ऊपर ले गए और राजा सुलेमान और सब इसराइली मंडली के लोग जो उसके पास इकट्ठे हुए थे उन्होंने संदूक के सामने इतनी भेड़ और बैल बलि किए जिनकी गिनती और हिसाब बहुतायत के कारण न हो सकता था। तब याजकों ने यहोवा की वाचा का संदूक उसके स्थान में अर्थात भवन की भीतरी कोठरी में जो परम पवित्र स्थान है पहुंचाकर करूबों के पंखों के तले रख दिया। संदूक के स्थान के ऊपर करूब तो पंख फैलाए हुए थे जिससे वे ऊपर से संदूक और उसके डंडों को ढापे थे। डंडे तो इतने लंबे थे कि उनके सिरे संदूक से निकले हुए भीतरी कोठरी के सामने देख पड़ते थे परंतु बाहर से वे दिखाई न पड़ते थे। वे आज के दिन तक वही है। संदूक के पत्थर की उन दो पटियाओं को छोड़ कुछ न था जिन्हें मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखा जब यहोवा ने इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद उसके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से निकले जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने तो अपने अपने को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में होकर सेवा न करते थे और जितने लेवीय गवैये थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ हेमान और यदुतून सन के वस्त्र पहने झांझ सारंगिया और विनाय लिए हुए वेदी के पूर्व अलंग में खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरहिया बजा रहे थे। तो जब तुरहिया बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे और तुरहिया झांझ आदि बाजे बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था।